कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को एक साल पूरा हो गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने देश के हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालने का ऐलान भी किया है। बता दें, राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर को ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जिसमें राहुल गांधी पार्टी के कई नेताओं के साथ 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी पदयात्रा की थी। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की एनिवर्सरी के मौके पर कांग्रेस जिला स्तर पर यात्राएं आयोजित कर रही है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत की थी और इसी साल 30 जनवरी को श्रीनगर में 145 दिन बाद यात्रा समाप्त हुई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने 12 राज्यों में पदयात्रा की थी। कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के एक साल पूरे होने के मौके पर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी कई बारीक जानकारियां बताई हैं। भारत जोड़ो यात्रा 145 दिनों तक चली थी। इस दौरान 4081 किलोमीटर पैदल यात्रा की गई थी। यात्रा के दौरान 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 76 लोकसभा क्षेत्रों को कवर किया गया था। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 13 सार्वजनिक बैठकें, 100 से अधिक नुक्कड़ बैठकें और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। इस दौरान कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर से यात्रा गुजरी थी। 4000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ साथ विरोधियों का भी ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे थे। कई विशेषज्ञों ने तो यहां तक कहा है कि कांग्रेस के लिए इस यात्रा का एक बड़ा परिणाम राहुल गांधी की छवि में परिवर्तन से आया है। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। भारत जोड़ो यात्रा के एक साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस देश भर में 722 यात्राएं निकालेगी। बता दें, जल्दी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 करने वाले हैं। इस बार राहुल गांधी की यात्रा देश के पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी। कांग्रेस इस बार उन राज्यों को फोकस करना चाह रही है जहां पहले भारत जोड़ो यात्रा नहीं चली थी। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। It would follow me everywhere I went, waiting for me to stop.